अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज है 6 रोज़ा और बस इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले किचन के अंदर मुझे ये लाइट्स ऑन करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे दिन क्यों ना हो तो लाइट्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस लाइट्स ऑन की और उसके बाद लैपटॉप ऑन करना मस्ट है। तो बिरयानी की तैयारी मैंने स्टार्ट की है। इसके लिए मैंने टमाटर निकाल लिए हैं, 5 फुट प्याज निकाल लिए हैं और यहाँ पे चिकन हॉल पड़ा हुआ है और ये पकौड़ियाँ जो कल की वीडियो में बनाई थी इनको भी मैं पानी में डाल के भिगो के रख दी है। साथ ही बिरयानी के लिए मैं चावल भी भिगो के रख दूँगी। ये काम मैंने सबसे पहले करने होते हैं, प्याज उसके बाद कटिंग करती हूँ। और 4 गिलास मैंने चावल ले लिए थे, उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद चिकन को कट कर लिया। और आज मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, बाहर बारिश भी हुई है आज और रोज़े जो हैं बहुत ही अच्छे और ठंडे कर दिए अल्लाह ने। तो बस इस तरह से चिकन को मैंने काट लिया है, प्याज को भी कट करके मैंने इसके अंदर डाला, प्याज को ब्राउन कर लिया और उसके बाद इसको ग्राइंडर में डाल दिया। और जो ये टमाटर है इनके मैंने ऊपर से छिलके उतार दिए, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, फ्रीज़ करके छिलके आराम से उतर जाते हैं। और उसके बाद प्याज और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है चावलों के लिए और एक तरफ मैंने चिकन को रखा है। उसको मैं पहले लहसुन के साथ जो है अच्छी तरह से भून लूँगी। और बाहर का मौसम देखें, दरख्त कितने ज़ोर से हिल रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही थी और गर्द उड़ रही थी। उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई है, इससे पहले बादल आए हैं और बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा मौसम हो गया था। तो एक राउंड मैंने लगाया बाहर का पानी को बॉईल करने के बाद और उसके बाद दोबारा मैं आ गई किचन में। और ये जो लहसुन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था इसके साथ मैंने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली। और उसके बाद जो मैंने सारा मटेरियल प्याज और टमाटर ग्राइंड करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड करके अच्छी तरह से उसको पका लिया। जब वो पक जाएगा फिर ये दही में मसाला ऐड किया मैंने और दही को डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके भुनाई कर लेंगे। और ये जी रेडी हो गया सालन। और नीचे मैंने चावल डाले हैं, उसके ऊपर मैंने चिकन डाला है और उसके ऊपर अगेन चावलों की लेयर लगेगी। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने ये जस्ट स्टेप्स दिखाए हैं इस वीडियो के अंदर। लेमन येलो कलर पानी के अंदर डिज़ोल्व करके मैंने ऊपर से इसको डाल दिया है। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आता है बिरयानी में। बस इसको दम दे देंगे हम, उतनी देर में हम दूसरे काम कर लेंगे। जैसे कि ये दही भले दही पकौड़ियाँ तैयार की हैं मैंने, प्याज इसके अंदर कट करके डाला है और ये पकौड़ियाँ। और इसके अंदर मैं डालूँगी हरी चटनी और आलू बॉईल किए हुए और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे दही भले जो हैं रेडी हैं। इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड किया है, लाल मिर्चें नमक सब हसब ज़रूरत ऐड करने के बाद। तो पकौड़ों का मिक्सचर है, पकौड़े भी रोज़ बनते हैं तो रोज़ वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकती बार बार। तो बस प्याज पालक और आलू और इसकी कटिंग करके उसके बाद इसके अंदर बेसन का मटेरियल बनाकर देन पकौड़े बना लेंगे। और फिर मेरा फेवरेट काम लाइट्स को टेबल पे लेके जाना और टेबल सेटिंग करना, इफ्तार टेबल तैयार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खूबसूरत जितना इफ्तार टेबल होता है उतना ही आपको रोज़ा खोलने का भी मज़ा आता है। तो ये सबसे पहले कैंडल्स मैंने टेबल के ऊपर रखी हैं और उसके बाद किचन के अंदर पकौड़े तैयार हो रहे थे, साथ बिरयानी को भी दम लग गया था। बिरयानी भी निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी और उसको टेबल पर हम रख देंगे इफ्तार के साथ ही। और उसके बाद जो है पकौड़े अभी भी एक पुर निकालती हूँ तो साथ ये एक डिश टेबल पर रख देती हूँ, फिर दूसरा पुर निकालती हूँ तो दूसरी डिश टेबल पर रख देती हूँ जाके। तो साथ साथ दोनों काम चल रहे होते हैं।
चार टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत डाले और सबकी मुश्किलों को आसान करे इस माह रमज़ान में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।